हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे केमिकल स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसने अभी तक 1,00,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को बना के दिखा दिए हैं और लगातार आपका पैसा बना के दिखा रही। तो आप लोगों को भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल से, तो मैं आपको बता दूं, लगातार मैं आपको ऐसे ही स्टॉक्स बताने की कोशिश किया करता हूं जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखा सकें और आप लोग भी स्टॉक मार्केट के जरिए बहुत ही अच्छी वेल्थ बना सकें। तो वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो लोग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मेरा टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें स्टॉक की, तो आप लोग देखेंगे कि FIIs और DIIs लगातार इसमें बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जून 2019 में 4.11% की स्टेक था FIIs का, जो कि सितंबर में 4.77 का हो गया, फिर जून में 5.08 का हो गया। उसके बाद आप लोग देखेंगे पिछले दो क्वार्टर से थोड़ी सी जरूर आप लोगों को FIIs में स्टेक कम होता हुआ दिखाई दिया है। DIIs का भी आप लोगों को देखने को मिला है कुछ सेम ही 6% के आसपास का स्टेक परमानेंट इस कंपनी में बना ही रहता है। अगर हम लोग बात करें कंपनी पर डेप्थ की, तो आप लोग देखेंगे कंपनी पर बोरोइंग केवल और केवल मात्र 2 करोड़ की है और रिजर्व्स देख सकते हैं 1,533 करोड़ के आसपास के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। तो मतलब कि कंपनी डेप्थ फ्री है। तो हम लोगों को एक और पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी का देखने को मिलता है कि कंपनी बिल्कुल भी डेप्थ फ्री है। अगर हम लोग बात करें कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की, तो पिछले 10 सालों से कंपनी लगातार 18% के CAGR से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक की, तो पिछले 10 सालों से 49% के CAGR से रिटर्न प्रोवाइड करा के आ रही है। मतलब कि अपने इन्वेस्टरों को माला माल बना के आ रही है कंपनी। आप लोग देख सकते हैं मार्च 2010 में ये कंपनी मात्र 40 करोड़ का ही कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पाती थी। एवरी ईयर कंपनी ने अपना प्रॉफिट को बढ़ाया है। 2011 में 52 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करने लगी, 2012 में 55 करोड़ का। कंटिन्यूअसली कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। 2021 में आप लोग देख सकते हैं 269 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया, जो कि हालांकि 2020 के प्रॉफिट से थोड़ा सा कम आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कंपनी ने जब कंटिन्यूअसली 10 साल अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, तो अभी भी कंपनी थोड़ा थोड़ा ओके परफॉर्म ही कर रही है और आगे भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहेगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ट्रेडिंग 12 मंथ में 278 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का ऑलरेडी चल रहा है। अगर हम लोग बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप लोगों को देखने को मिला कि जून क्वार्टर में 81 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया, जो कि पिछले क्वार्टर से जो कि 71 करोड़ का था उससे भी काफ़ी बेहतर था, और पिछले साल का जो जून क्वार्टर था उसमें भी 72 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था उससे भी काफ़ी बेहतर है। तो एवरी क्वार्टर कंपनी में कुछ ना कुछ हम लोगों को अच्छा ही परफॉर्म करके देखने को मिलता है। किस स्टॉक के बारे में दोस्तों बात हो रही है? बात हो रही है यहाँ पे विनाती ऑर्गेनिक लिमिटेड की। आज के दिन आप लोग देखेंगे धमाकेदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। 3% की 1844 के प्राइस पे आपको ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग बात करें 52 वीक हाई की, तो 2130 का ऑलरेडी ये 52 वीक हाई लगा चुका है और काफ़ी अंडर परफॉर्म वहाँ से कर रहा है, मतलब कि काफ़ी नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में आपको देखने को मिलती है। मौका मिले जरूर इस स्टॉक को बाय करिए। जितना लंबे समय तक आप लोग होल्ड करेंगे, तो ये उतना ही पैसा बना के दिखाएगी। उसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने एक महीने के रिटर्न देखें, तो -6-7% के रिटर्न है, मतलब कि अपने ऑल 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है। तो आप लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट टर्म का पीरियड देखेंगे, मतलब कि 6 महीने के रिटर्न, तो आप लोगों को 30% के रिटर्न ऑलरेडी इस कंपनी ने पिछले 6 महीने में परफॉर्म करके दिखा दिए हैं। 2021 में इस स्टॉक ने 51% के रिटर्न ऑलरेडी बना के दिखाए हैं। अगर हम लोग बात करें 1 साल की, तो 1 साल में 82% के रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि जितना ज़्यादा समय आप लोग इस कंपनी को देंगे, ये उतना ही रिटर्न आपको बना के दिखाएगी। 5 साल के रिटर्न की बात करें, तो 504% के रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने बना के दिखाए हैं। और अगर हम लोग अभी तक के रिटर्न की बात करें, तो 1,38,584% के रिटर्न बना है, मतलब कि आपके पैसे को लगभग लगभग 1,385 टाइम कर दिया इस स्टॉक ने, मतलब कि अपने इन्वेस्टरों को माला माल किया है। अगर आप लोगों ने 10-20 साल पहले इस स्टॉक में लगाए होते रुपए, तो डेफिनेटली आप लोग इस कंपनी से करोड़पति बन चुके होते। अगर हम लोग कंपनी की बात करें, कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो बेसिकली ये दो चीज़ बनाती है। एक IBB बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं
आइसोब्यूटिल बेंजीन, जिससे ये 65% का ग्लोबल मार्केट होल्ड करती है इंडिया का, मतलब कि वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आईबीबी की। बेसिकली ये केमिकल आप लोगों को यूज़ होता हुआ दिखाई देता है परफ्यूम इंडस्ट्री में, आप लोग बोल सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए इस केमिकल यूज़ होता है, फार्मा सेक्टर में बहुत सारे पेन किलर्स में ये केमिकल यूज़ होता है। और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग करती है ये, वो है एटीबीएस, मतलब कि एसिलामाइड टी ब्यूटिल सल्फोनिक एसिड। बहुत सारे यूजेस हैं इस केमिकल के भी, आप लोगों को देखने को मिलेगा। वेल एडिटिव्स, वाटर ट्रीटमेंट आप लोग देख सकते हैं, पेंट सेक्टर में, कोटिंग में, पेपर पल्प इंडस्ट्री में काफ़ी मेजर यूज़ आता है इन दोनों केमिकल्स का। तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं, ये केमिकल अगर बनना बंद हो जाएगा, ऑलरेडी ये 65% मार्केट शेयर होल्ड करती है, तो मतलब कि इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन दोनों केमिकल की बंद हो जाएगी, या आगे चल के अंडर परफॉर्म करने लगेगी, तो काफ़ी ना कहीं कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सेक्टर को इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को पता है कि फ्यूचर ग्रोथ कंपनी की बहुत ही शानदार है, अभी भी ये कंपनी काफ़ी आप लोगों को देखने को मिलता है, मात्र 18,000 करोड़ की है। तो फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है, लार्ज कैप स्टॉक बन सकता है आने वाले टाइम में। कंपनी फंड का बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के आसपास की आपको देखने को मिलती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। और अगर आप लोग इस ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है। तो जितनी जल्दी आप लोग हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए, ताकि जितना ज़्यादा समय आपको मिल सके किसी कंपनी से जुड़े रहने का, उतना ही बड़ा वेल्थ आप लोग भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के साथ, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी रकम बना के दिखा सकें। तब तक के लिए बाय बाय।